रियल है और बहुत तगड़ी लगी टकराती हुई। ये चेक करें आप जरा बाबू जान ने, ओफ एक और खाइट और टांग पे। ओ नो 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 सीधा हो ना, तो भाई साहब कोई कमेंट्स पास करें, क्या चल रहा है मैच का, क्या मैच है आज? कुछ भी नहीं, फिलहाल टॉस हम हार गए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद देखते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, उन्होंने डिसाइड करना। ओके, सेकंड बॉल और कादिर का बहुत ही खूबसूरत शॉट, उस्मान भी भागते हुए, और यहाँ पे एक सिंगल होगी और हमारे केडी आ गए हैं स्ट्राइक पे, कादिर 900 रन पे एक रन के साथ ऑफ द मार्क। बॉल नंबर 3 आई है और एक बाउंसर और बीट, आवाज़ बिल्कुल इस टाइम पे जो है निकल, और ये बहुत ही प्यारी शॉट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ अंस भाई, और ये बीट। ये हमारे जेडी थर्ड अंपायर भी हैं, यहाँ पे डबल जॉब कर रहे हैं, क्रिकेटर भी हैं, बॉलिंग भी करवाते हैं, बैटिंग फील्डिंग और साथ अंपायरिंग, और जेडी ने पूरी जोर से शॉट के लिए और फोर रन की जाने बात, और सही में चौका हो गया, जेडी की प्रेडिक्शन और केडी का बहुत ही आला अंदाज ओवर खत्म करने का। और यार ओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ, मतलब शायद यही लास्ट बॉल हो इस ओवर की, लास्ट बॉल की, और केडी ने दोबारा से होल्ड बैक किया और बच्चे की टांग को लकी रुकी, यहाँ पे बहुत ही प्यारा चांस है डायरेक्टेड का लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि बासत हमारी टीम का ही रह चुका है तो डायरेक्टेड उसकी भी कमजोर है। उस्मान भाई आ गए तीसरी येलो जी, और फिर केडी की बहुत ही प्यारी फ्लिक लेग साइड की जाने पर, वो आप फील्डर देख सकते हैं इन्होंने बॉल जो है वापस कर दी है। उस्मान भाई और भाई साहब कादिर फेस ना कर पाए, नेक इंजरी से सरवाइव नहीं कर पाए, ये बड़ी पड़ी और कर ही दी कोई शॉट, शॉट करके मैंने यहाँ कादिर, और यहाँ पे पता नहीं कौन सी रनिंग कर रहे हैं, ये चौका। आप कमेंट्री सुन सकते हैं पीछे क्या क्या चल रही है, कादिर भाई कंधा पकड़ के बैठे रहे और शहीर कहता है कि बहाने लगा रहे हैं, उनका दोस्त है वो बेहतर जानते हैं। कादिर भाई का थोड़े मतलब का बॉलर लग रहा है मुझे, लेट्स सी क्या होता है। कादिर भाई फेस करते हुए ये चेक करें आप, और फिर कादिर ने भी पूरा जवाब दिया, आवाज़ बल्ले से बढ़िया आई थी और एक छक्का, पहला छक्का मैच का, और कादिर अपनी इंजरी लेके बैठे क्योंकि अभी भी चांस है कि अगर आउट हो जाए तो मतलब कवर ऊपर हो सकता है। सेकेंड बॉल भाई की कादिर फेस करते हुए, और कादिर ने बहुत ही प्यारा कट शॉट के मारे और दो रन हो गए सीधा सीधे इतना, ये बॉल और कादिर करते फेस, और कादिर ने दोबारा एक शॉट चढ़ाई, अंपायर बचते हुए चौका, वो फील्डर देख सकते हैं काफ़ी मायूसी का शिकार है लेकिन हमारे लिए तो खुशी का बाइस है। तीन बॉल चेक करें फिर, ये होगी बेस्ट बॉल ऑफ द मैच, और जिस पे के देने चढ़ा दी छक्का, कैच का कॉल चेक करें आप, लेकिन छक्का मैंने आपको पहले बता दिया है भाई। कादिर ने फेस किया और कादिर से मिस, उस्मान भाई की पेस है वो आप देख सकते हैं, एक सीक्रेट फील्डर में रखा है दिलाफ के साथ, और उस्मान भाई की बॉल और कादिर अगेन, उस्मान भाई की बॉल, इसके बाद मैंने करनी नहीं रिकॉर्डिंग, और कादिर भाई ने क्या किया ये फ्लिक, और ये चेक करें सिर्फ सिंगल, और अब मैं आपको दिखाऊंगा जब बासित आएगा जरा वाइड का मुझे रिकॉर्ड करने में आसानी होगी, यानी कि आप समझें कि तीन ओवर्स के अंदर 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, इतनी कुछ 5-6 ओवर्स की होती नॉर्मल मैच के अंदर, और केडी की जेडी की टोपी गिर गई मॉन्स्टर की, और ये जेडी उसको देखते हुए यहीं पर रिकॉर्डिंग हम करेंगे ख़त्म, बाय बाय। और ये एक बहुत ही खच शॉट, बहुत प्यारी बॉल भाई अंस, इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर अंस आ चुके हैं जिन पे मतलब प्रॉपरली जो है कोई अभी तक शॉट नहीं खेल सका, छक्का तो नहीं हुआ अभी तक, इस पर सिर्फ एक छक्का लगाया है कादिर ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉल ऑफ द होल मैच, ही चेक करें अंस आया और ये कादिर, और ये बहुत ही प्यारा छक्का इस प्यारी बॉल पर बगैर देखे छक्का दिया, इसे कहते हैं बाइसनेस ये। और शहीर बॉल फेस करते हैं, शहीर की बहुत ही अजीब सी शॉट फ्लिक करके उस्मान भाई ने पकड़ी, क्या बात है, सबको इंतज़ार है बासित के ओवर्स का जो कि बहुत ही ज़्यादा मायनास बॉलर हैं, कायदे आज़म ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर, फॉर्मर कप्तान और स्ट्राइकर्स, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो लेकिन मुझे फैक्ट्स बताने का बहुत शौक है, और ये वीडियो से कट भी जाएगा, बॉलर है
और ये कादिर ने फेस किया और कुछ शॉट मारी और ये बस क्यारी में जाके रुक गई। बहुत गुड शॉट लेकिन उस्मान वैसे मिल नहीं रही। यस टू और तीन बहुत ही कमाल रनिंग और उस्मान भाई की बहुत ही कमाल थ्रो सीधा। ये तो ब्लाइंड थ्रो थी कैसी थी। और शेर फेस करते हुए और सर कादिर फेस करते हुए और ये विकेट बहुत बड़ी विकेट गिरी है। ये कादिर ने अपनी गर्दन पकड़ ली। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे कादिर भाई अपनी ब्रोकन नेक के साथ। उनको सहारा देते हुए सैफ भाई और अब आएंगे अब्दुल्ला जट। लेट्स सी आज क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब बैलेंस है मैच यार। स्कोर भी एक तरफ पड़ रहा है दूसरी तरफ मतलब कि ओवर्स भी अच्छे जा रहे हैं विकेट्स भी निकल रही हैं। इसे कहते हैं अच्छा बैलेंस्ड मैच और क्वालिटी साइड्स लग रही हैं दोनों। और कप्तान बस खुश नजर आते हुए पहली बॉल डेड डालने का हुक्म। और अब्दुल्ला ने कवर ड्राइव जो कि बासत के पास गई। ये ग्राउंड ऐसी ही है सिंगल हो गई झूलों के लग के उधर स्नूकर चल रही है। आप देख सकते हैं एक जीनियस। ये दोनों पार्टनरशिप ऐसे बन सकती है दोनों भाई दोनों ही तबाही क्योंकि शहीर भाई और अब्दुल्ला भाई ऑफिशियली ब्रदर्स हैं। ये चेक करें अगर ये चेक करें बॉल आप। और बहुत ही प्यारा शॉट भागते हुए सैफ ने कॉल दी। यहाँ पे एक सिंगल हो गई है। यस एंड दैट्स इट। यस इज अ टू इन बासित हैंड। ये चेक करो बासित ने पूरा काम किया। ओके देखी शक्ल अरसलान भाई और अब्दुल्ला भाई को वाइड करवाते हैं। उस्मान भाई इज बैक और ए चांस। यस इज टू। लेग स्लिप की तरफ से निकलते हुए बॉल रुक गया। पानी है वहाँ पे घास है वहाँ पे और सिंगल और वो चेक करें मिसबाहुल लक ग्राउंड में आ चुके हैं। इंतजामुल लक सॉरी रेडी फॉर द एक्शन। और यहाँ पे अगर उस्मान मैंने बॉलर बाउंड्री पे जाते ओ एक भी वाइड करवाई तो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा वरना फिर ये चेक करें आप। बोल्डम उस्मान भाई बहुत ही कमाल बॉल। उस्मान भाई का कमबैक। यार हम तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मजा कर रहे हैं। सैफ भाई बहुत खुश होते हुए जी। बल्कि नई वीडियो उस्मान भाई और मंसूर भाई का फेस ऑफ है। काफ़ी मशहूर फेस ऑफ जो हम जा रहे थे काफ़ी दिनों से। वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं मंसूर भाई और बासित का जो है कप्तान वर्सेस कप्तान दिखाना चाहता हूं। आई होप ऐसा कुछ हो मंसूर भाई पहले आउट ना हो जाए। यू नो ये ले और बहुत तगड़ी लगी टकराती हुई थाई पे लगी है। बचत हो गई है वाइस कप्तान और कप्तान खेलते हुए। अराउंड सुनने में आया है कि 8 ओवर जो हैं हो चुके हैं और उसके एंड पे 91 स्कोर पे 4 आउट हैं। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। 12 ओवर के खेल में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई 5-6 विकेट्स वो गिरा देते हैं तो बस फिर वो जीत गए। वाइड छक्का गया दिखा नहीं सका लेकिन इतना ज़्यादा छक्का ज़रूर हुआ है। काफ़ी वाइड हुई थी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कप्तान अपनी फॉर्म में शायद नहीं आए लेकिन वो रात भर यहाँ से गुजरते हुए चले गए और वापस आ गए। बस आउट हो गए कैच हो गया और सॉरी आवाज़ बल्ले से सुनने में आया कि अच्छी नहीं आई और ये आउट हो गए और मैं एक बना के अब मुराद बैटिंग पे आएंगे। इसके बाद जेडी उसके बाद मैं उसके बाद फिर बेड़ा गर्क। शेर साहब फेस कर रहे हैं पहला ही छक्का। पहली ही बॉल पे शेर ने छक्का लगा दिया। बॉल फिर वाइट। मैच की सिचुएशन तो बहुत अच्छी है जिस लिहाज से बॉलिंग भी हो रही है बैटिंग भी हो रही है। फिर वाइट बॉल अगेन वाइट बॉल। काफ़ी फाइटिंग करवा चुकी है ये टीम इस दफ़ा। एक तो हमारी विकेट भी चेंज है। लास्ट टाइम हम आप सामने जिस जगह पे देख रहे हैं वहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे पानी लगा हुआ था इसलिए विकेट हमने चेंज की है। मैं आपको बॉल दिखा दूँ उसके बाद आपको मैच की आगे की कंडीशन बताऊँगा। लंगा छक्का। 2-3 छक्के उड़ा चुके हैं बासित को और लॉस्ट बॉल बासित की। देखते हैं इस पर क्या करते हैं। और एक अच्छा 4 रन्स। मुराद भाई और साथ साउद भाई रह गए एंड पे और साथ हमारे पास दी लेजेंड इसके बाद राणा साहब भी होंगे। लेकिन अभी सैफ ने मारी है सीधा खींच के कमर पे मुराद को। ये फ्री हिट थी हवा में गई कैच भी हो गया कुछ मसला नहीं फ्री हिट है ये लो। चलो शाबाश।
और मुराद फेस करते हुए सैफ को, काफी अच्छी इनिंग खेली आज, पता नहीं क्या स्कोर किया है। और बहुत ही प्यारा शॉट गया, स्ट्रेट ड्राइव थी एक और एक सिंगल। अब वो इंसान जो कहते हैं कि हमारी बैटिंग रिकॉर्ड नहीं की जाती, साउथ भाई, किसी के भाई किसी की जान, साउथ भाई। शाबाश, इसके बाद दो ओवर हैं, शाबाश। आपने क्या किया आज यार उसे? ओह, और ये बहुत ही प्यारी सिंगल निकाली भाई साहब। कहां से आउट हुआ? ये रिकॉर्ड हुआ आज। जो कीपर साथ में ना जरा जो कैच रोक लिया था, हाँ ये चेक करें फिर आप। साउथ भाई का ओ पेट पे खाई, इनका पेट भी खराब है, पेट भी रहा उसके लिए पिज्जा नहीं रखा था। ये चेक करें आप जरा बाऊजान ने, ओफ एक और खाई, ओ टांग, ओ नो 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 नो। उमर उमर आंद्रे को बॉल लगी हुई है, बॉलर जान जान के मारे, कभी कमर पे, कभी थाई पे, कभी टांग, कभी पेट पे, कुछ भी। ये चेक ना बनाऊं बनाऊं, और ये चेक करें आप फिर, और बहु जान को मेरे ख्याल से नहीं लगा, टांग पे लगा, उसी कह रहे टांग पे लग के। ओवर एंड लास्ट ओवर रह गए हैं, आपको दिखाएंगे वो भी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इसके बाद रोना बनता है। अब ये उस्मान बगैर तेज तराक, और पूरी टीम नो बॉल का परवाना, क्या बात है। एक और सुहाना शॉट, डबल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, प्योर नो बॉल, फ्री हिट भी दी गई है, और चौका दे दिया है उन्होंने बड़ी बहस के बाद, एक चौका और फ्री हिट भी है। उस्मान भाई की बॉल पे फेस कर रहे हैं मुराद रेड बैट जेडी का, ये चेक करें यहाँ पर ताज़ा तरीन बॉल, स्लोअर वन, बहुत ही प्यारा स्लोअर वन। सी इस वाली बॉल पे क्या होता है, और बोल्ड सर डॉन मजर राणा साहब ऑन द बैट, ठीक है शाबाश लड़के, लेट्स डू दिस, सब मजा आएगा। ये चेक करें राणा साहब को आप, और एक बीमर, और निकाल थी राणा ने, क्या बात है राणा की, राणा के सारे दीवाने, बहुत ही कमाल एप्रिसिएशन मिलते हुए डगआउट से। राणा डिडंट हेजिटेट भाई, उस्मान उनको नहीं पता फ्री हिट है ना, फ्री हिट पे लेते राणा साहब क्या करते हैं, और वाइड बॉल है, और वाइड बॉल फ्रॉम केडी, और अभी दोबारा फ्री हिट होगी। ये चेक करो उस्मान भाई की, बहुत ही, और स्लिप निकला, और जी फील्डर के पास से निकल गया, चौका हो गया राणा साहब, सर डॉन राणा, ये भी सही है, चौके पे भी लानत, इस बंदे के बारे में बात हो रही है। तेज वैसे जगह पानी में रुक गया, और फिर भी क्या प्यारी शॉट थी, और वो उधर लग के रुकी है, डबल की कॉल, लेकिन बाऊजान ने कहा, साउथ भाई ने कहा कि सिंगल इज इनफ। ये चेक करें आप उस्मान, और ये देखें कितना बड़ा ब्लंडर है ये, उस्मान भाई के हाथ से निकली गई और से आई है, और कप्तान, और ये चेक करें आप उस्मान, और भाई साहब बहुत जान, बहुत साउथ भाई का बहुत ही प्यारा छक्का, बहुत आला, बहुत आला, और एप्रिसिएशन हर तरफ से, इस ओवर को अच्छा यूटिलाइज किया, चौका ही बेहतर है, कोई बात नहीं, ठीक है, छक्का होता तो इनको रात को नींद लाती भाई। लास्ट बॉल देखते हैं कैसे खेलते हैं, उस्मान भाई इस बॉल पे आउट भी कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बॉल, अच्छा यूटिलाइज किया ओवर को। ये चेक करें, खुफिया बातें करते हैं, और जब भी कादर ने किसी को समझाया वो आउट होके ही वापस आया, और अब देखते हैं कि क्या करता है राणा कादिर की एडवाइस से। कादिर की एडवाइस से पहले वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, अगर वो आउट हो जाते हैं तो ये सारा ब्लेम कादिर पे ही जाएगा। लेट्स सी कादिर भाई की एडवाइस कितने काम आती है, बॉलर भागते हुए, और ये राणा साहब ने बीट कर दी, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं, सो करना है मेरा भाई। ये आप चेक कर सकते हैं 193 पे 9 आउट, 5 बॉलें रह गई हैं, और यहाँ पे फेस कर रहे हैं सर डॉन राणा बॉलर आते हुए, कादिर की एडवाइस पे क्या अमल करेंगे, और बॉल बैठ के, ये तो वाइड ही है, ऑफ कोर्स हर दुनिया में वाइड है, 194 फॉर 9 हो चुका है। ये चेक करें अब राणे की शॉट, और वाइड, और एक वन फॉर दी ओवर दे दिया हाइट का, वन फॉर दी ओवर भी है, ठीक है।
यानी अब स्कोर हो चुका है 196 अगली बॉल पे होगा। ये चेक करें सर राणा, ओ भाई साहब छक्का राणा 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 नॉट कमिंग स्लो, और मतलब कि ये तो टैलेंटर है, क्या बात है। 200 क्रॉस कर गया शॉट के साथ, 201 दो हुए। तो गाइस यहाँ पे स्कोर बताने वाले सारे जो हैं दिमाग से पैदल हैं, अकल से पैदल हैं। दो स्कोर था, कोई चक्का नहीं हुआ, लेकिन हाइप मैंने राणा की बना दी है, लेकिन क्योंकि राणा अगली बॉल पे मार देगा ऐसे, ये इसी का छक्का ही था। अब स्कोर 187 है, बॉल वो फील्डर के पास, बॉल फेंकी उसने वापस इधर है यार, पीछे हो कप्तान, तो ये आ गई आपके पास वापस 197 यार क्या बकवास, हर दफा स्कोर गलत हो रहा है 199, क्योंकि कप्तान को स्कोर लिखना नहीं आता। ऑफकोर्स सिर्फ दो बॉलें हुई ओवर की, चार बॉलें यूटिलाइज करने के लिए है, और राणा सर राणा की एक और शॉट जो कि रुक गई है बॉलर भागते हुए यहाँ पे, ये और राणा साहब नॉट कमिंग स्लो। 200 क्रॉस कर चुका है, 201 मैंने आपको दो तीन बॉलें पहले बताया था, अब 201 हो चुका है, 201 पर 9 मेरे ख्याल से कप्तान के दिमाग में यही टारगेट था, लेकिन इसके ऊपर कितना कैपिटलाइज करते हैं राणा साहब से बहुत एक्सपेक्टेशन है। ये चेक करें आप शॉट्स वाइड व 202 अगेन सेकंड लास्ट बॉल, और वह सीधा कैच अंश की तरफ से, एक बॉल रह गई थी, और बहुत ही कमाल इनिंग खेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेली राणा साहब ने, बहुत आला ये बात, 203 करना है, कोई तासुरात दे दें ताकि हम होता।